اللهم صل على محمد و آله وصحبه وسلم शुरु अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है इसमाइल बिन जाफर ने बयान किया उनसे अब सहेल ने उनसे उनके वाल मालिक ने और उनसे तला बिन अबैदुल्लाजी के एक आराबी परेशान हाल बाल बिखरे हुए रसुल्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ उसने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए मुझ पर अल्लाह ताला ने कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि पांच नमाज़ें ये और बात है कि तुम अपनी तरफ से नफिल पढ़ लो फिर उसने कहा बताइए अल्लाह ताला ने मुझ पर रोज़े कितने फ़र्ज़ किए हैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने के ये और बात है कि तुम खुद अपने तौर पर कुछ नफली रोज़े और भी रख लो फिर उसने पूछा और बताइए ये किस तरह मुझ पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शर इस्लाम की बातें बता दी जब उस आरबी ने कहा उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त दी न मैं उससे जो अल्लाह ताला ने मुझ पर फ़र्ज़ कर दिया है कुछ बढ़ाऊँगा और ना घटाऊँगा इस पर रसूल अल्लाह सल्ह वसम ने फ़रमाया अगर इसने सच कहा है तो ये मुराद को पहुँचा या आपने ये फ़रमाया कि अगर सच कहा है तो जन्नत में जाएगा सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार आठ सौ इक्यानवे इस्माइल बिन अली ने बयान किया उनसे अयूब ने उनसे नाफ़े ने और उनसे इबन उमर अदीलों ने बयान किया कि रसूल अलैहि वसल्लम ने योम आशूरा का रोज़ा रखा था और आपने उसके रखने का सहाबा र को इब्तदा इस्लाम में हुक्म दिया था जब माहिर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए तो आशूरा का रोज़ा बतोरे फ़र्ज़ छोड़ दिया गया अब्दुल्लह बिन उमर आशूरा के दिन रोज़ा न रखते मगर जब उनके रोज़े का दिन ही योम आशूरा आन पड़ता सही बुखारी हदीस नंबर एक लेस ने बयान किया उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने और उनसे औराक बिन मालिक ने बयान किया उन्हें ने ख़बर दी कि आयशर आयशा रज्हाँ ने फ़रमायाश जमाने जाहलीत में आशूरा का रोज़ा रखते थे फिर रसोल्ला सल्ला वसलम ने भी उस दिन रोज़े का हुक्म दिया फिर रसोल्ला सल्ला वसलम ने फ़रमाया कि जिसका जी चाहे योम आशूरा का रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे न रखे सही बुखारी हदीस नमर एक हज़ार आठ सौ तिरानवे अब्दुल्लाह बिन मुसल्मा काम्बी ने बयान किया उनसे इमाम मालिक ने उनसे अबू जनाद ने उनसे एरज ने और उनसे अबू हुरे रदील्लाहों ने कि रसूल अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया रोज़ा दोज़क़ से बचने के लिए एक ढाल है इसलिए रोज़ादार न फहश बातें करे और न जहालत की बातें और अगर कोई शख़्स उससे लड़े या उसे गाली दे तो उसका जवाब सिर्फ़ ये होना चाहिए कि मैं रोज़ेदार हूँ ये अल्फाज दो मरतबा कह दे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा और पाकिज़ा है अल्लाह ताला फरमाता है बंदा अपना खाना पीना और अपनी शहवात मेरे लिए छोड़ता है रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूँगा और दूसरी नेकियों का स्वाब भी असल नकी के दस गुना होता है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार आठ सौ चौरानवे बिन राशिद ने बयान किया उनसे अबू वाइल ने और उनसे हजरत पूछा फितने के मुतिक रसूल की हदीस किसी को याद हैफरद ने बयान किया कि मैंने सुना है आप वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान के लिए उसके बाल बच्चे उसका माल और उसके पड़ोसी फितना आजमाइश व इम्तहान है जिसका कफ़ारा नमाज रोज़ा और सदक़ा बन जाता है उमर रदीने कहा कि मैं इसके मुतक़ नहीं पूछता मेरी मुराद तो उस फितने से है जो समंदर की मौजों की तरह उमड आएगा इस पर हज़ैफर रदी अलाों ने कहा कि आपके और उस फितने के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है यानी आपके दौर में वो फितना शुरू नहीं होगा उमर रजिया उन्होंने पूछा वो दरवाज़ा खुल जाएगा या तोड़ दिया जाएगा हुजैफा रदी उन्होंने बताया कि तोड़ दिया जाएगा उमर रद्ला उन्होंने फरमाया कि फिर तो क़यामत तक कभी बंद ना हो पाएगा हमने मसरूक से कहा आप हुजैफा रदी से पूछिए कि क्या उमर रदी को मालूम था कि वह दरवाज़ा कौन है चुनाचा मसरूख ने पूछा तो आपने फरमाया हाँ बिल्कुल उस तरह उन्हें इल्म था जैसे रात के बाद दिन के आने का इल्म होता है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार आठ सौ पचानवे अबू हाजिम सलमा बिन दीनार ने बयान किया और उनसे सहल बिन सादिरदी अल्लाह उन्होंने कि रसूल करीम सली वसलम ने फरमाया जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रेन कहते हैं कयामत के दिन उस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार ही जन्नत पर दाखिल होंगे उनके सिवा और कोई उसमें से नहीं दाखिल होगा पुकारा जाएगा कि रोज़ेदार कहाँ हैं वो खड़े हो जाएंगे उनके सिवा उससे और कोई नहीं अंदर जाने पाएगा और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा फिर इससे कोई अंदर ना जा सकेगा सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार आठ सौ छियानवे हमीद बिन रहमान ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरा रजी अल्लाह ने बयान किया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में दो चीज़ें खर्च करेगा उसे फ़रिश्ते जन्नत के दरवाज़ों से बुलाएंगे। क्या है अल्लाह के बंदे ये दरवाज़ा अच्छा है फिर जो शख्स नमाजी होगा उसे नमाज के दरवाज़े से बुलाया जाएगा जो मुजाहिद होगा उसे जहाद के दरवाज़े से बुलाया जाएगा जो रोज़ेदार होगा उसे बाब रियान से बुलाया जाएगा और जो ज़कवात अदा करने वाला होगा उसे ज़क़़़़़त के दरवाज़े से बुलाया जाएगा इस पर अबू बकर पूछा मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हों या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग इन दरवाज़ों में से किसी एक दरवाज़े से बुलाए जाएंगे मुझे उनसे बहस नहीं आप ये फरमाएं कि क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे इन सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हाँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी उन्हीं में से होंगे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार आठ सौ सत्तानवे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया उनसे अबू सहल नाफ़े बिन मालिक ने उनसे उनके वालिद ने उनसे अबू हरेरा रज़ी ने कि रसूल सल्हसम ने फ़रमाया जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार आठ सौ अट्ठानवे इबन शहाब ज़ाहरी ने बयान किया कि मुझे बनू तमीम के मौला अबू सहेल बिन अबी अनस ने ख़बर दी उनसे उनके वालिद ने बयान किया और उन्होंने अबू अल्लाह रजील् को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल वसल्लम ने फरमाया जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है सही बुखारी हदीस नंबर एक सालिम ने खबर दी कि इब्ने उमर रदी अल्लाह ने कहा मैंने रसूल करीम अलैहि वसल्लम से सुना आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का चांद देखो तो रोज़ा शुरू कर दो और जब शवाल का चांद देखो तो रोज़ा अफ़ार कर दो और अगर अबर हो तो अंदाजे से काम करो यानी तीस रोज़े पूरे कर लो और बाज ने लैस से बयान किया कि मुझसे अकील और यूनुस ने बयान किया कि रम़ान का चाँद मुराद है सही बुखारी एक हज़ार नौ सौ बिन नबी कसीर ने बयान किया उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हरेरा रती ने फरमाया जो कोई शब कद्र में ईमान के साथ और हसूल सवाब की नीयत से इबादत में खड़ा हो उसके तमाम अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे और जिसने रमज़ान के रोजे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखे उसके अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे सही बुखारी हदीस नंबर 1901 इब्ने शहाब ने ख़बर दी उन्हें उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत और खैर के मामले में सबसे ज़्यादा सखी थे और आप अलैहि वसल्लम की सखावत उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाती थी जब जबरील आसमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान में मिलते जबरील आसमाम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान शरीफ की हर रात में मिलते यहाँ तक कि रमज़ान गुजर जाता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील आसमाम से कुरान का दौर करते थे जब हज़रत जबरील आसमाम आपसे मिलने लगते तो आप सल्ला वसलम चलती हवा से भी ज्यादा भलाई पहुंचाने में सखी हो जाया करते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार नौ सौ दो इबन अबी ज़ाब ने बयान किया उनसे सईद मकबरी ने उनसे उनके वालिद के एहसान ने और उनसे अबू हुररा रज अल्लान्हों ने कि रसूल करीम सल वसलम ने फरमाया अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोजे रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे सही बुखारी हदीस नंबर 1903 हज़ार नौ सौ तीन अतः ने खबर दी उन्हें अबू सालेह ने जो रोगन जैतून और घी बेचते थे उन्होंने अबू हुरेरा रजी अल्ला से सुना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान का हर नेक अमल खुद उसी के लिए है मगर रोज़ा के वो खास मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूँगा और रोज़ा गुनाहों की एक ढाल है अगर कोई रोज़े से हो तो उसे फ़हश कोई न करनी चाहिए और न शोर मचाए अगर कोई शख्स उसको गाली दे या लड़ना चाहे तो उसका जवाब सिर्फ़ ये हो कि मैं एक रोज़ेदार आदमी हूँ उस की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद अलैहि वसल्लम की जान है रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है रोजेदार को दो खुशियां हासिल होंगी एक तो जब वो अवतार करता है तो खुश होता है और दूसरे जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़े का सवाब पाकर खुश होगा सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ चार ने बयान किया कि मैं अब्दुल्ला बिन मसूद रदील्ला के साथ जा रहा था आपने कहा कि हम नबी करीम अलैहि वसल्लम के साथ थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई साहिब ताकत वाला हो तो उसे निकाह कर लेना चाहिए क्योंकि नज़र को नीची रखने और शर्मगाह को बदफैली से महफूज रखने का ये ज़रिया है और किसी में निकाह करने की ताकत ना हो तो उसे रोज़े रखने चाहिए क्योंकि वो उसकी शहवत को ख़त्म कर देता है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ पाँच अब्दुल्लाह बिन वसल्मा कम्बी ने बयान किया उनसे इमाम मालिक ने उनसे नाफ़े ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर रही ने बयान किया कि रसोल्ला सलम ने रमज़ान का जिक्र किया तो फ़रमाया कि जब तक चाँद न देखो रोज़ा शुरू न करो इसी तरह जब तक चाँद न देख लो रोज़ा मौकूफ़ न करो और अगर आबर छा जाए तो तीस दिन पूरे कर लो सही बुखारी हदीस नंबर एक अब्दुल्लाह बिन वसलमा ने बयान किया कहा हमसे मालिक ने उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर अब्दुल्ल बिनुमरद्हों ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया महीना कभी उनतीस रातों का भी होता है इसलिए उनतीस पूरे हो जाने पर जब तक चांद न देख लो रोज़ा न शुरू करो और अगर अब्र हो जाए तो तीस दिन का शुमार पूरा कर लो सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ सात जबला बिन सहीम ने बयान किया कि मैंने इब्ने उमर रजील्हू से सुना उन्होंने बयान किया कि रसूल वसल्लम ने फ़रमाया महीना इतने दिनों और इतने दिनों का होता है तीसरी मर्तबा कहते हुए आपने अंगूठे को दबा लिया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ आठ मोहम्मद बिन जयाद ने बयान किया कहा कि मैंने अबू हुरेरा रजी अल्ला से सुना आपने बयान किया कि नबी करीम वसल्लम ने फरमाया या यूं कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चांद ही देख कर रोज़े शुरू करो और चांद ही देख कर रोज़ा मौकूफ़ करो और अगर अब्र हो जाए तो तीस दिन पूरे कर लो सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ नौ जरीज ने बयान किया उनसे याहिया बिन अब्दुल्लाह बिन सैफ़ी ने उनसे अकरमा बिन अब्दुलरहमान ने और उनसे उम स़ी ने कि नबी करीम अलैहि वसल्लम अपनी अजवाज से एक महीने तक जुदा रहे फिर उनतीस दिन पूरे हो गए तो सुबह के वक्त या शाम के वक्त अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए इस पर किसी ने कहा आपने तोहद किया था कि आप सल्ह वसम एक महीने तक उनके यहाँ तशरीफ़ नहीं ले जाएंगे तो आज़रत सल्ला वसलम ने फ़रमाया के महीना उनतीस दिन का भी होता है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ दस अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला ने बयान किया कहा हमसे सलेमान बिन बिलाल ने उनसे हमीद ने और उनसे अनसरद ने बयान किया अच्छा कि रसूल सल्लाम अपनी बीवियों से जुदा रहे थे आप सल्हु वस के पाँव में मौच आ गई तो आप सल्हुह वम ने बाला खाना में उनतीस दिन क़्याम किया था फिर वहाँ से उतरे लोगों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक महीने का इला किया था जवाब में आपने फरमाया कि महीना उनतीस दिन का भी होता है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ ग्यारह मोत्मर बिन सलमान ने बयान किया कहा कि मैंने इस हाथ से सुना उन्होंने अब्दुलरहमान बिन बकर नबी बकरार से उन्होंने अपने वालिद से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा और मुझे मस्तद ने ख़बर दी उनसे मोत्मर ने बयान किया उनसे ख़ालिद हज़ा ने बयान किया कि मुझे अब्दरमान बिन नबी बकरार ख़बर दी और उन्हें उनके वालिद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया दोनों महीने नाक़ नहीं रहते सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ बारह सईद बिन उमरों ने बयान किया और उन्होंने इबिन उमरिया से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम एक बेपढ़ी लिखी कौम हैं, न लिखना जानते हैं न हिसाब करना महीना यूँ है और यूँ है आपकी मुराद एक मर्तबा उनतीस दिनों से थी और एक मर्तबा तीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसों उंगलियों से तीन बार बतलाया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ तेरह हिशाम ने बयान किया उनसे याहियाबिन नबी कसर ने उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हरेरा रजी ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स रमज़ान से पहले शाबान की आखिरी तारीखों में एक या दो दिन के रोजे न रखे अलबत्त अगर किसी को इनमें रोज़े रखने की आदत हो तो वो इस दिन भी रोज़ा रख ले सही बुखारी अधी सितम्बर एक हज़ार नौ सौ चौदह बरा रजिया बयान किया कि शुरू इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लाम के सहाबा रन जब रोज़े से होते और अवतार का वक्त आता तो कोई रोज़ेदार अगर अवतार से पहले भी सो जाता तो फिर उस रात में भी और आने वाले दिन में भी उन्हें खाने पीने की इजाज़त नहीं थी ताकि फिर शाम हो जाती फिर ऐसा हुआ कि कायसिन सरमासारी रजील् भी रोज़े से थे जब अवतार का वक्त हुआ तो वह अपनी बीवी के पास आए और उनसे पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है उन्होंने कहा इस वक्त तो कुछ नहीं है लेकिन मैं जाती हूँ कहीं से लाऊंगी। दिन भर उन्होंने काम किया था इसलिए आँख लग गई जब बीवी वापस हुई और उन्हें सोते हुए देखा तो फरमाया अफसोस तुम महरूम ही रहे लेकिन दूसरे दिन वो दोपहर को बेहोश हो गए लेकिन दूसरे दिन वो दोपहर को बेहोश हो गए जब इसका जिक्र नबी अलैहि वसल्लम से किया गया तो ये आयत नाजिल हुई हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों से सोहबत करना इस पर सहाबा रदी अल्लाह बहुत खुश हुए और ये आयत नाजिल हुई खाओ पियो यहाँ तक के मुमताज़ हो जाए तुम्हारे लिए सुबह की सफ़ेद धारी सुबह सादिक सियाह धारी सुबह काजिब से सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ पंद्रह हसैन बिन अब्दुलरमान ने खबर दी और उनसे शाबी ने उनसे आदि बिन हातिम रज़ी ने बयान किया कि जब यह आयत नाजिल हुई ताँ के खुल जाए तुम्हारे लिए सफ़ेद धारी सियाह धारी से तो मैंने एक सियाह धागा लिया और एक सफ़ेद और दोनों को तकी के नीचे रख लिया और रात में देखता रहा मुझ पर उनके रंग न खुले जब सुबह हुई तो मैंने रसूल्ला सल्ह वसम की ख़दमत में हाज़िर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया आपने फरमाया कि इससे तो रात की तारीख की सुबह काजिब और दिन की सफेदी सुबह सादिक मुराद है सही बुखारी हदीस नंबर 1916। इब्ने अभी हाजिम ने बयान किया उनसे उनके बाप ने और उनसे सहल बिन साद ने दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा और मुझसे सईद बिन अभी मरियम ने बयान किया उनसे अबू गस्सान मोहम्मद बिन मोतरफ़ ने बयान किया उन्होंने कहा कि मुझसे अबू हाजिम ने बयान किया और उनसे सहल बिन साद रज़ील् उन्होंने बयान किया कि आयत नाजिल हुई खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफ़ेद धारी सियाह धारी से खुल जाए लेकिन मिनल्फ़्रबह की के अलफ़ा नहीं सुबह की के अलफ़ाज नाजिल नहीं हुए थे इस पर कुछ लोगों ने यह कहा कि जब रोज़े का इरादा होता तो सियाह और सफ़ेद धागा लेकर पाओं में बांध लेते और जब तक दोनों धागे पूरी तरह दिखाई न देने लगते खाना पीना बंद न करते थे इस पर अल्लाह ताला ने फज़र के अल्फाज नाजिल फरमाए फिर लोगों को मालूम हुआ कि इससे मुराद रात और दिन है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ सत्रह उबैद बिन इसमाइल ने बयान किया कहा हमसे अबू उसमा ने उनसे ने उनसे नाफ़े ने और उनसे इब्ने उमर रदी अल्लाह ने और इब्ने उमर ने यही रिवायत कासिम बिन मोहम्मद से और उन्होंने आयशा रज़ी से कि बिलाल ऱी अल्लाह कुछ रात रहे से अज़ान दे दिया करते थे इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तक इब्ने मक्तूम इब्न मखतूम ऱी अज़ान न दें तुम खाते पीते रहो क्योंकि वो सुबह सदिक़ के तलु से पहले अज़ान नहीं देते कासिम ने बयान किया कि दोनों बिलाल और उम्म मखदूम रजी की अज़ान के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता था कि एक चढ़े तो दूसरे उतरते सही बुखारी हज़ार नौ सौ उन्नीस साहल बिन साद होन बयान किया कि मैं सहरी अपने घर खाता फिर जल्दी करता ताकि नमाज नबी करीम सल्हसम के साथ मिल जाए सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार नौ सौ बीस कता ने बयान किया उनसे अनस रजी अल्लाहने और उनसे जैद बिन बिनित रजी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने सहरी खाई फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस की नमाज के लिए खड़े हुए मैंने पूछा कि सहरी और अजान में कितना फासला होता था तो उन्होंने कहा पचास आयतें पढ़ने के मुआफिक फासला होता था सही बुखारी अधिसंबर एक हजार नौ सौ इक्कीस मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया कहा नबी कि करीम सल रखा तो सहाबर ने भी रखा लेकिन सहाबर के लिए दुशारी हो गई इसलिए आप वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया सहाबर ने इस पर अर्ज की क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सौ में वाल रखते हैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं तो बराबर खिलाया और पिलाया जाता हूँ सही बुखारी हज़ार नौ सौ बाईस अब्दुल अजीज़ बिन सोहेब ने बयान किया उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक रजी अल्लाह से सुना उन्होंने बयान किया कि रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाओ कि सहरी में बरकत होती है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ तेईस यजीद बिन अबी ओबैद ने बयान किया उनसे सलमा बिन आकौन ने कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन एक शख्स को यह ऐलान करने के लिए भेजा कि जिसने खाना खा लिया है वो अब दिन डूबने तक रोजे की हालत में पूरा करे या ये फरमाया कि रोज़ा रखे और जिसने न खाया हो तो वो रोज़ा रखे खाना न खाए सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ चौबीस अबू बकर बिन अब्दुलरहमान बिन हारिस बिन हिशाम बिन मग़ैरा के गुलाम समी ने बयान किया उन्होंने अबू बकर बिन अब्दुलरहमान से सुना उन्होंने बयान किया कि मैं अपने बाप के साथ आयशा और उम्मे सलमा की खिदमत में हाज़िर हुआ दूसरी सनद इमाम बुखारी रहा ने कहा कि और हमसे अबुल यमान ने बयान किया कहा कि हमको शयब ने ख़बर दी उन्हें ज़ाहरी ने उन्होंने बयान किया कि मुझे अबू बकर बिन अब्दुल रहमान बिन हारिस बिन हिशाम ने ख़बर दी उन्हें उनके वालिद अब्दुल रहमान ने, ने खबर दी उन्हें मरवान ने ख़बर दी और उन्हें आयशा और उम्म सज़ी ने ख़बर दी कि बाज़ मरतबा फ़ज्र होती तो रसोल्ला सल्ह वसम अपने अहल के साथ जुम होते थे फिर आप गसल करते और आप रोज़े से होते थे और मरवान बिन हकम ने बिन हारिस से कहा मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ अबू हुर रजी को तुम यह हदीस साफ़ साफ सुना दो क्योंकि अबू हुरा रदी का फ़तवा इसके ख़िलाफ़ था उन दिनों मरवान अमीर माविया रदी की तरफ से मदीने का हाकिम था अबू बकर ने कहा कि अब्दुलरमान ने इस बात को पसंद नहीं किया इत्फ़ाक़ से हम सब एक मरतबाजुललीफ़ा में जमा हो गए अबू हरेरा ऱी की वहाँ कोई ज़मीन थी अब्दुलरमान ने उनसे कहा कि आपसे एक बात कहूँगा और अगर मरवान ने इसकी मुझे कसम न दी होती मैं कभी आपके सामने इसे न छेड़ता फिर उन्होंने आयशा और उम स की हदीस जिक्र की अबू हरे रजी अल्लाह ने कहा मैं क्या करूँ कहा कि फ़ल्ल बिन अब्बास रजी अल्लाह ने यह हदीस बयान की थी और वह ज्यादा जानने वाले हैं कि हमें हमाम और अब्दुल्लिन रजी के साहबज़ादे ने अबू हरेरा ऱी से बयान किया कि नबी करीम वसल्लम ऐसे शख्स को जो सुबह के वक्त जुम्बी होने की हालत में उठा हो अफ्तार का हुक्म देते थे लेकिन हज़रत आयशा रजी और उमसमा रज़ी की ये रवायत ज़्यादा मोतबर है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ पच्चीस एक हज़ार नौ सौ छब्बीस सुलेमान बिन हरब ने बयान किया उनसे शोबा ने उनसे हकम ने उनसे इब्राहिम ने उनसे असवद ने और उनसे आयशा रदी ने बयान किया कि नबी करीम सलील्हु वसम रोज़े से होते लेकिन अपनी अजवाज के साथ तकबील बोसा लेना और मुबाशरत अपने जिसम से लगा लेना भी कर लेते थे आ हज़रत सल्हु वसम तुम सबसे ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखने वाले थे बयान किया कि अपने अब्बास रदी अल्लाह ने कहा कि सूर तहा में जोब का लफ् है वह हाजत और ज़रूरत के मानी में है ताऊस ने कहा कि लफ्ज़ कुल अरबा जो सूर नूर में है उस अहमक को कहेंगे जिसे औरतों की कोई ज़रूरत ना हो सही बुखारी अधी नंबर एक हज़ार नौ सौ सत्ताईस ने ख़बर दी और उन्हें आयशरद्हा नबी करीम सल्ह वसम के हवाले से दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा कि और हमसे अब्दुल्लाह बिन मसलमा ने बयान किया उनसे इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने उनसे हश्यम बिन औरवा ने उनसे उनके बाप ने और उनसे अल्लाह रद्ला ने बयान किया कि रसूल वसल्लम अपनी बाज़ अजवाज़ का रोज़ेदार होने के बावजूद बोसा ले लिया करते थे फिर आप फिर आप हंसी सही बुखारी हदीस नंबर 1928 याजा कतान ने बयान किया उनसे हिशाम बिन नबी अब्दुल्ला ने उनसे याहिया बिन नबी कसीर ने उनसे अबू सलमा ने उनसे उम सलमा रदी अल्लाह की बेटी जैनब ने और उनसे उनकी वालदा हज़रत उम सलमा रदी अल्लाह ने बयान किया कि मैं रसोल्ला सल्ह वसलम के साथ एक चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया इसलिए मैं चपके से निकल आई और अपना हज़ का कपड़ा पहन लिया आप ने पूछा क्या बात हुई क्या हैज़ आ गया है मैंने कहा हाँ फिर मैं आप के साथ उसी चादर में चली गई और उनमें सलमा और रसूल सल्ह वसम एक ही बर्तन से गौसल जनाबत किया करते थे और आज़रत सल्लाम रोज़े से होने के बावजूद उनका बोसा लेते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ उनतीस यूनुस ने बयान किया उनसे इबन शहाब ने उनसे औरवा और अबू बकर ने क्या रिअल्ला ने कहा रमज़ान में फ़जर के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम से नहीं बल्कि अपनी अजवाज के साथ सोहबत करने की वजह से गसल करते और रोज़ा रखते थे मालूम हुआ कि गसल जनाबत रोजेदार फजर के बाद कर सकता है सही बुखारी हदीस समर एक हज़ार नौ सौ तीस इमाम मालिक ने बयान किया उनसे अबू बकर बिन रहमान बिन हारिस बिन हिशाम बिन मग़िर के गुलाम समी ने उन्होंने अबू बकर बिन रहमान से सुना उन्होंने बयान किया कि मेरे बाप रहमान मुझे साथ लेकर आयशर अनहा की खदमत में हाज़िर हुए आयशर अनहा ने कहा कि नबी करीम सल्लाम सुबह जुम्बी होने की हालत में करते अहतलाम की वजह से नहीं बल्कि जमा की वजह से फिर आप सल्ल वसम रोजे से रहते यानी यानि फजर की नमाज से पहले सहरी का वक्त निकल जाने के बाद करते सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ इकतीस इसके बाद हम उम सद की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने भी इसी तरह हदीस बयान की सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ बत्तीस इब्ने सैरिन ने बयान किया कि हज़रत अबू हरेरा रजील्ह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई भूल गया और कुछ खा पी लिया तो उसे चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा करे क्योंकि उसको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया सही बुखारी हदीस नंबर एक ज़ाहरी ने बयान किया उनसे अताबिन जैद ने उनसे हमरान ने उन्होंने हजरत उस्मान बिन रज को वजू करते देखा आपने पहले अपने दोनों हाथों पर तीन मर्तबा पानी डाला फिर कुल्ली की और नाक साफ की फिर तीन मर्तबा चेहरा धोया फिर दाया हाथ कोहनी तक धोया फिर बाया हाथ कोहनी तक धोया तीन तीन मर्तबा। उसके बाद अपने सर का मसा किया और तीन मरतबा दहना पाऊँ धोया फिर तीन मरतबा बाया पाऊँ धोया आखिर में कहा कि जिस तरह मैंने वजू किया है मैंने रसूल अल्लाह वसल्लम को भी इसी तरह वज़ू करते देखा है फिर आप ﷺ ने फरमाया था कि जिसने मेरी तरह वज़ू किया फिर दो रक्त नमाज वज़ू, इस तरह पढ़ी कि उसने दिल में किसी किस्म के ख्यालात और वसाफिस गुजरने नहीं दिए तो उसके अगले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे सही बुखारी हदीस नंबर 1934 अब्दुल्ल् बिन मुनिर ने बयान किया कहा कि हमने यजीद बिन हारून से सुना उनसे याहया ने जो सईद के साहबजादे हैं कहा उन्हें रहमान बिन कासिम ने ख़बर दी उन्हें मोहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ुबैर बिन अवाम बिन कैलिद ने और उन्हें आबाद बिन अब्दुल्लह बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ने ख़बर दी कि उन्होंने आयशा रदी अल्लाह से सुना आपने कहा कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्हसम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि मैं दो ज़ख़्म जल चुका आ हज़रत वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या बात हुई उसने कहा कि रमज़ान में मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली थोड़ी देर में आ अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर का एक ठेला जिसका नाम अर्क था पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो में जलने वाला शख़्स कहाँ है उसने कहा कि हाजिर हूँ तो आप सल्हुह वम ने फरमाया कि ले तू इसे खैरात कर दे सही बुखारी हदीसतमर एक हज़ार नौ सौ पैंतीस हमीद बिन रहमान ने ख़बर दी और उनसे अबू हरेरा रजी अल्लाहों ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लाम की खदमत में थे कि एक शख्स ने हाज़िर होकर कहा या रसूल सल्हु वसम मैं तो तबाह हो गया आपने दरियाफ्त फरमाया क्या बात हुई उसने कहा कि मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जमा कर लिया है इस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फ़रमाया क्या तुम्हारे पास कोई ग़ुलाम है जिसे तुम आज़ाद कर सको उसने कहा नहीं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया क्या पैदर पे दो महीने के रोज़े रख सकते हो उसने अर्ज़ की कि नहीं फिर आप ने पूछा क्या तुमको 60 मस्किनों को खाना खिलाने की ताकत है उसने इसका जवाब भी इनकार में दिया रावी ने बयान किया कि फिर नबी करीम वसल्लम थोड़ी देर के लिए ठहर गए हम भी अपनी इसी हालत में बैठे हुए थे कि आप अलैहि वसल्लम की खदमत में एक बड़ा थैला अर्क नामी पेश किया गया जिसमें खजूरें थीं अर्क थैले को कहते हैं जिसे खजूर की छाल से बनाते हैं आ हज़रत अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि साइल कहाँ है उसने कहा कि मैं हाजिर हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ले लो और सदका कर दो उस शख्स ने कहा क्या या रसूल अल्लाह उस शख्स ने कहा क्या या रसूल अल्लाह मैं अपने से ज़्यादा मोहताज पर सदका कर दूँ बखुदा इन दिनों पथरीले मैदानों के दरमियान कोई भी घराना मेरे घर से ज़्यादा मोहताज नहीं है इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हंस पड़े कि आपके आगे के दांत देखे जा सके फिर आप ने इरशाद फरमाया कि अच्छा जा अपने घर वालों ही को खिला दे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ छत्तीस जरीर ने बयान किया उनसे मंसूर ने उनसे ज़ाहरी ने उनसे हमीद बिन रहमान ने और उसे अब हरेराज ने कि एक शख्स नबी करीम अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि ये बदनसीब रमज़ान में अपनी बीवी से जमा कर बैठा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि एक गुलाम आज़ाद कर सको उसने कहा कि नहीं आपने फिर दरियाफ फरमाया क्या तुम पैदर पे दो महीने के रोज़े रख सकते हो उसने कहा कि नहीं आपने फिर दरियाफ फरमाया क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि साठ मस्किनों को खाना खिला सको अब भी उसका जवाब नफ़ी में था रावी ने बयान किया फिर नबी करीम सल्ला वसलम की खिदमत में एक थैला लाया गया जिसमें खजूरें थीं अर्क जम्बील को कहते हैं आ हज़रतली वसलम ने फरमाया कि इसे ले जा और अपनी तरफ से मोहताजों को खिला दे उस शख्स ने कहा मैं अपने से भी ज़्यादा मोहताज को हालाँकि दो मैदानों के दरमियान कोई घराना हमसे ज़्यादा मोहताज नहीं आप सल्हुह वसम ने फरमाया कि फिर जा अपने घर वालों ही को खिला दे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ सैंतीस असद ने बयान किया उनसे वहेब ने वो ऐब से वह आक्रमा से वह हज़रत इबन अब्बास अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहराम में और रोज़े की हालत में पिछना लगवाया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ अड़तीस ऐब सख्तियानी ने बयान किया उनसे आक्रमा ने और उनसे उनबन अब्बास रजी अल्लाह ने नबी करीम सल्हुस ने रोज़े की हालत में पचना लगवाया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ उनतालीस शोबा ने बयान किया कहा कि मैंने साबित बनानी से सुना उन्होंने अनस बिन मालिक ऱी अल्लाहों से पूछा था क्या आप लोग रोज़े की हालत में पिछना लगवाने को मकरूह समझा करते थे आपने जवाब दिया कि नहीं अलबत् कमज़ोरी के ख्याल से रोज़े में नहीं लगवाते थे शबाबा ने यह ज्यादती की है कि हमसे शोबा ने बयान किया कि ऐसा हम नबी करीम सली वसलम के अहद में करते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ चालीस सफियान बिन आइना ने बयान किया उनसे अबू इसहाक सलेमान शेबानी ने उन्होंने अब्दुल्ला बिन नबी उफ़ील्ला से सुना कहा कि हम रसोल्ला सल्लाम के साथ सफ़र में थे रोज़े की हालत में आ हज़रत सल्लाम ने एक साहब बिलाल से फ़रमाया कि उतर कर मेरे लिए सत्तू घोल ले उन्होंने अर्ज़ की या रसोल्ला सल्लास अभी तो सूरज बाकी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फ़रमाया कि उतर कर सत्तू घोल ले अब की मरतबा भी उन्होंने वही अर्ज़ की या रसूल अलैहि वसल्लम अभी सूरज बाकी है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म अब भी यही था कि उतर कर मेरे लिए सत्तू घोल ले फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ इशारा करके फरमाया कि जब तुम देखो कि रात यहाँ से शुरू हो चुकी है तो रोज़ेदार को अवतार कर लेना चाहिए इसकी मुताबत जरीर और अबू बकर बिन याश ने शेबानी के वास्ते से की है और इसे इबन अबी उफ़रदिल्ला ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में था सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार नौ सौ इकतालीस हिशाम बिन औरवा ने बयान किया कि मुझसे मेरे बाप और वा ने बयान किया उनसे आयशा ने कि हमजा बिन ओमरो असलमी रजी अल्लाह ने अर्ज की या रसूल में सफर में लगातार रोजे रखता हूँ सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार नौ सौ बयालीस दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा कि और हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया उन्हें इमाम मालिक ने ख़बर दी उन्हें हिशाम बिन और ने उन्हें, उन्हें उनके वालिद ने और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोज़ मतहरा आयशा अनहा ने कि हमज़ा बिन उमर असलमी रदी अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की मैं सफ़र में रोज़ा रखूं वो रोज़े बकसरत रखा करते थे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर जी चाहे तो रोज़ा रख और जी चाहे अफतार कर सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ तेरालिस इमाम मालिक ने खबर दी उन्हें इब्न शहाब ने उन्हें उबैदुल्ल बिन अब्दुल्लाह बिन अतवा ने और उन्हें इबन अब्बास रदी अल्लाह ने कि नबी करीम सतह मक् के मौके पर मक् की तरफ रमज़ान में चले तो आप सल्ह वसम रोज़े से थे लेकिन जब कदीद पहुंचे तो रोज़ा रखना छोड़ दिया और सहाबा ने भी आपको देख कर रोज़ा छोड़ दिया अबू इमाम बुखारी रहा ने कहा कि असफान और कदीद के दरमियान कदीद एक तालाब है सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार नौ सौ चवालिस उम्म दरदार रजील्हा ने बयान किया कि अबू दरदा ने कहा कि हम नबी करीम सल्हु वसलम के साथ एक सफ़र कर रहे थे दिन इंतहाई गर्म था गर्मी का ये आलम कि गर्मी की सख्ती से लोग अपने सरों को पकड़ लेते थे नबी करीम वसल्लम और इबन रवााह के सिवा और कोई शख्स रोज़े से नहीं था सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ पैंतालीस मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अंसारी ने बयान किया कहा कि मैंने मोहम्मद बिन उमरो बिन हसन बिन अली रजी से सुना और उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्ला से कि रसूल वसल्लम एक सफर ग़ज़वे फ़तह में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स पर लोगों ने साया कर रखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या बात है लोगों ने कहा कि एक रोज़ेदार है आप वसल्लम ने फरमाया कि सफर में रोज़ा रखना कुछ अच्छा काम नहीं है सही बुखारी अदी सितम्बर एक हज़ार नौ सौ छियालीस बिन मसलमा ने बयान किया कहा हमसे इमाम मालिक ने उनसे हमीद तवील ने और उनसे अनस बिन मालिक रज़ील्हों ने कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान में सफ़र किया करते थे सफ़र में बहुत से रोज़े से होते और बहुत से बेरोज़ा होते लेकिन रोज़ेदार बेरोज़ेदार पर और बेरोज़ेदार रोज़ेदार पर किसी कस्म की एबजोई नहीं किया करते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ सैतालीस मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया उन्होंने कहा हमसे अबू अवाना ने उनसे मंसूर ने उनसे मुजाहिद ने उनसे ताऊस ने और उनसे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ने के रसुल्ल वम ने गजब फताह में मदीने से मक्के के लिए सफ़र शुरू किया तो आप वसल्लम रोज़े से थे जब आप अलैहि वसल्लम असफ़ान पहुँचे तो पानी मंगवाया और उसे अपने हाथ से मुंह तक उठाया ताकि लोग देख लें फिर आप वसल्लम ने रोज़ा छोड़ दिया यहाँ तक कि मक्का पहुँचे इब्ने अब्बास रद्ला कहा करते थे कि रसूल अलैहि वसल्लम ने सफ़र में, में रोज़ा रखा भी और नहीं भी रखा इसलिए जिसका जी चाहे रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे न रखे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ अड़तालीस उबैदल्ला ने बयान किया उनसे नाफ़े ने कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अल्लाह उन्होंने आयत मस्कूर बाला फ़दीयतुल तमाम मसाकिन पढ़ी और फ़रमाया ये मनसूख है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ उनचास अबू सलमान ने बयान किया कि मैंने आयशा रजी अल्ला से सुना वो फरमातीं कि रमज़ान का रोज़ा मुझ से छूट जाता शाबान से पहले उसकी कज़ा की तोफ़ी न होती चाहा ने कहा कि ये नबी करीम अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में मशगूल रहने की वजह से था सही बुखारी हदीस नंबर एक जैद बिन असलम ने बयान किया उनसे आयात ने और उनसे अबू सीद रजी अल्ला ने बयान किया कि रसूल्लाह सल्लाह वसलम ने फरमाया क्या जब औरत हायजा होती है तो नमाज और रोज़े नहीं छोड़ देती यही उसके दीन का नुकसान है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ इक्यावन औरवा ने बयान किया और उनसे आयशा रद्ला ने कि रसूल सल्लाम ने फरमाया अगर कोई शख्स मर जाए और उसके जिम्मे रोज़ वाजिब हों तो उसका वली उसकी तरफ से रोज़े रख दे मूसा के साथ इस हदीस को इब्ने वहब ने भी उमरों से रिवायत किया और याहिजा बिन ऐयूब ने इब्ने अबी जाफ़र से सही बुखारी हदीस तमर एक हजार जायदा ने बयान किया उनसे आमश ने उनसे मुस्लिम बतैन ने उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्ने अब्बास रदी अल्लाहने कि एक शख्स रसुल्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की या रसूल सल्लाम मेरी माँ का इंतकाल हो गया और उनके ज़िम्मे एक महीने के रोज़े बाकी रह गए थे क्या मैं उनकी तरफ से कज़ा रख सकता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ ज़रूर अल्लाह ताला का कर्ज़ इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक है कि उसे अदा कर दिया जाए सुलेमान आमश ने बयान किया कि हकम और सलमा ने कहा जब मुस्लिम बतैन ने यह हदीस बयान की तो हम सब वहीं बैठे हुए थे इन दोनों हजरात ने फरमाया हमने मुजाहिद से भी सुना था कि वो ये हदीस इन अब्बास रदी अला से बयान करते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ बिन औरवा ने बयान किया कहा कि मैंने अपने बाप से सुना उन्होंने फरमाया कि मैंने आसिम बिन उमर बिन खत्ताब से सुना उनसे उनके बाप हज़रत उमर रजील् ने बयान किया कि रसूल सल्लासम सल ने फरमाया जब रात इस तरफ मशरक से आए और दिन उधर मगरिब में चला जाए कि सूरज डूब जाए तो रोज़े के अवतार का वक्त आ गया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ चौवन अब्दुल्लह पर नबी उफ़ी रजील्लान्हों ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गजवा फ़तह जो रमज़ान में हुआ सफ़र में थे और आज़रत सल्लाम रोज़े से थे जब सूरज रूब हो गया तो आपने एक सहाबी बिलाल रज़ी अल्लाह से फ़रमाया क्या फ़लाँ मेरे लिए उठ के सत्तू घोल उन्होंने अर्ज़ की या अलैहि वसल्लम आप थोड़ी देर और ठहरते आपने फ़रमाया उतर कर हमारे लिए सत्तू घोल इस पर उन्होंने कहा या अल्लाह आप थोड़ी देर और ठहरते आ हज़रत सल्लह वसलम ने फिर वही हुक्म दिया कि उतर कर हमारे लिए सत्तू घोल लेकिन उनका अब भी ख्याल था कि अभी दिन बाकी है आ हज़रत अलैहि वसल्लम ने इस मरतबा फिर फ़रमाया कि उतर कर हमारे लिए सत्तू घोल चनाचा उतरे और सत्तू उन्होंने घोल दिया और रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने पिया फिर फ़रमाया कि जब तुम ये देख लो कि रात उस मशरक़ की तरफ से आ गई तो रोज़ेदार को अवतार कर लेना चाहिए सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ पचपन सुलेमान शेबानी ने बयान किया कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उफर अल्लाह अनहु से सुना उन्होंने कहा कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से थे जब सूरज غروب हुआ तो आपने एक शख्स से फरमाया कि उतरकर हमारे लिए सत्तू घोल उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर और ठहरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतर कर हमारे लिए सत्तू घोल उन्होंने फिर यही कहा कि या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, अभी तो दिन बाकी है आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतर कर सत्तू हमारे लिए घोल चुनाचा उन्होंने उतर कर सत्तू घोला आ हज़रत अलैहि वसल्लम ने फिर फ़रमाया कि जब तुम देखो कि रात की तारीकी इधर से आ गई तो रोज़ेदार को रोज़ाफ़्तार कर लेना चाहिए आप अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से मशरक़ की तरफ इशारा किया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ छप्पन इमाम मालिक ने खबर दी उन्हें अबू हाजिम सलमा बिन दीनार ने उन्हें सहल बिन सादरदी कि रसूल वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों में उस वक्त तक खैर बाकी रहेगी जब तक वो अवतार में जल्दी करते रहेंगे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ सत्तावन अबू बकर बिन याश ने बयान किया उनसे सलीनान शेबानी ने और उनसे इब्ने अबी वरदा ने कि मैं नबी करीम वसल्लम के साथ एक सफ़र में था आप रोज़े से थे जब शाम हुई तो आप अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फ़रमाया कि ऊंट से उतरकर मेरे लिए सत्तू घोल उसने कहा हजूर अगर शाम होने का कुछ और इंतज़ार फ़रमाएँ तो बेहतर हो आप सल्लाह वसलम ने फरमाया उतर मेरे लिए सत्तू घोल वक्त हो गया है जब तुम ये देख लो कि रात उधर मशरक से आ गई तो रोजेदार के रोजे खोलने का वक्त हो गया सही बुखारी हदीस नंबर एक अबू उसामा ने बयान किया उनसे हिशाम बिन और ने उनसे फातमा बिन तंजर ने और उनसे असमा बिनते अबी बकरा ने कि एक मरतबा नबी करीम सल्लास के जमाने में अब्र था हमने जब अवतार कर लिया तो सूरज निकल आया इस पर है शाम, रावी हदीस से कहा गया कि क्या फिर उन्हें इस रोजे की कजा का हुक्म हुआ था तो उन्होंने बतलाया कि कज़ा के सिवा और चारा कार ही क्या था और मोमर ने कहा कि मैंने है श्याम से यूँ सुना मुझे मालूम नहीं कि उन लोगों ने कजा की थी या नहीं सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार नौ सौ उनसठ रबी बिनते ने कहा आशूरा सुबह को आ हज़रत वसल्लम ने अनसार के महलों में कहला भेजा कि सुबह जिसने खा पी लिया हो वो दिन का बाकी हिस्सा रोजेदार की तरह पूरे करे और जिसने कुछ खाया पिया ना हो वो रोज़े से रहे रबी ने कहा कि फिर बाद में भी रमज़ान के रोजे की फर्जियत के बाद हम इस दिन का रोज़ा रखते और अपने बच्चों से भी रखवाते थे उन्हें हम ऊन का एक खलौना देकर बहलाए रखते जब कोई खाने के लिए रोता तो वही दे देते जहां तक कि अवतार का वक्त आ जाता सही बुखारी हदीस एक हजार नौ सौ ने बयान किया और उनसे अनस रदी अल्लाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिला सहारो अवतार पैदर पे रोजे ना रखा करो साहबा रजियाल्ला ने अर्ज की कि आप तो विसाल करते हैं आपने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खिलाया और पिलाया जाता है या जा आपने ये फरमाया कि मैं इस तरह रात गुजारता हूँ कि मुझे खिलाया और पिलाया जाता रहता है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ इकसठ इमाम मालिक ने ख़बर दी उन्हें नाफ़े ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लह बिनुमर रदी ने बयान किया कि रसूल सोम विसाल से मना फरमाया सहाबर ने अर्ज़ की कि आप तो विसाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मुझे तो खिलाया और पिलाया जाता है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ बासठ यजीद बिन हाद ने बयान किया उनसे अब्दुल्लाह बिन खुबाब ने और उनसे अबू सईद खदरी रदी अल्लाह ने उन्होंने अलैहि वसल्लम से सुना कि आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलसल बिला सहरी रोज़े न रखो हाँ अगर कोई ऐसा करना ही चाहे तो वो साहरी के वक्त तक ऐसा कर सकता है साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम आप तो ऐसा करते हैं इस पर आपने फ़रमाया मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं तो रात इस तरह गुजारता हूँ कि एक खिलाने वाला मुझे खिलाता है और एक पिलाने वाला मुझे पिलाता है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ तिरसठ अब्दा ने ख़बर दी उन्हें हिशाम बिन रवान उन्हें उनके बाप ने और उनसे आयशा रदी ने कहा कि रसूल सल्लाम ने पैदर पे रोज़े से मना किया था उम्मत पर रहमत व शफक़क़क़्त के ख्याल से सहाबा रदी अल्लाह ने अर्ज़ की कि आप सल्हुह वस तो विसाल करते हैं आपने फ़रमाया मैं तुम्हारी तरह नहीं मुझे मेरा रब खिलाता और पिलाता है उस्मान रदी अल्लाह ने अपनी रिवायत में उम्मत पर रहमत और शफक़त के ख़्याल से के अल्फाज जिक्र नहीं किए हैं सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ अबू सलमा बिन रहमान ने बयान किया उनसे अबू हुरेरा रजी अल्लाहने कि रसूल वसल्लम ने मुसलसल कई दिन तक सहरीारी के बग़ैर रोज़ा रखने से मना फरमाया था इस पर एक आदमी ने मुसलमानों से अर्ज़ की या रसूल अलैहि वसल्लम आप तो विशाल करते हैं आपने फरमाया मेरी तरह तुम में से कौन है मुझे तो रात में मेरा रब खिलाता है और वही मुझे सैराब करता है लोग इस पर भी जब सोमो विसाल रखने से न रुके तो आप अलैहि वसल्लम ने उनके साथ दो दिन तक विशाल किया फिर ईद का चाँद निकल आया तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर चांद न दिखाई देता तो मैं और कई दिन विशाल करता गोया जब सोम विसाल से वो लोग न रुके तो आपने उनको सजा देने के लिए ये कहा सही बुखारी हदीस एक हजार नौ सौ पैंसठ ने बयान किया उनसे मुअम्मर ने उनसे हमाम ने और उन्होंने अबू हरेरा रदी अला से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया तुम लोग विशाल से बचो अर्ज़ किया गया कि आप तो विशाल करते हैं इस पर आप सल्हुस ने फरमाया कि रात में मुझे मेरा रब खिलाता और वही मुझे सैराब करता है बस तुम इतनी ही मुशक्क़त उठाओ जितनी तुम ताकत रखते हो सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ छियासठ अब्दुल अजीज़ बिन अभी हाजिम ने बयान किया उनसे यजीद बिन हाद ने उनसे अब्दुल्ला बिन खबाब ने और उनसे अबू सईद खदरी रदी अल्लाह उन्होंने उन्होंने रसूल सल्हसम से सुना क्या आप वसल्लम फ़रमा रहे थे सौ में विसाल न रखो और अगर किसी का इरादा ही विशाल का हो तो सहरी के वक्त तक विसाल कर ले अल्लाह साहबरद्लाम ने अर्ज़ की या रसूल आप तो विसाल करते हैं आपने फ़रमाया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ रात के वक्त एक खिलाने वाला मुझे खिलाता है और एक पिलाने वाला मुझे पिलाता है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ सड़सठ वाहब बिन अब्दुल्ला ने बयान किया कि रसूल सल्लासम ने सलमान और अबू दरदार रजी में हजरत के बाद भाईचारा किराया था एक मरतबा सलमान अबू दरदार रजी अल्लाह से मुलाकात के लिए गए तो उनकी औरत उम्म दरदा को बहुत फटे पुराने हाल में देखा उनसे पूछा कि यह हालत क्यों बना रखी है उम दरदार रजी अल्लाह ने जवाब दिया कि तुम्हारे भाई अबू दरदार रजी अल्लाह हैं जिनको दुनिया की कोई हाजत ही नहीं है फिर अबू दरदार रज़ी अल्लाह उन्होंने भी आ गए और उनके सामने खाना हाजिर किया और कहा कि खाना खाओ उन्होंने कहा कि मैं तो रोज़े से हूँ इस पर हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह उन्होंने फ़रमाया कि मैं भी उस वक्त तक खाना नहीं खाऊँगा जब तक तुम खुद भी शरीक न होगे इमाम मालिक रम्ला ने खबर दी उन्हें अबू नजर ने उन्हें अबू सलमा ने और उनसे आयशा आयशरद् ने बयान किया कि रसोल्ला सल्ह वसलम नफिल रोज़ा रखने लगते तो हम आपस में कहते कि अब आप रोज़ा रखना छोड़ेंगे ही नहीं और जब रोज़ा छोड़ देते तो हम कहते कि अब रोज़ा रखेंगे ही नहीं मैंने रमज़ान को छोड़कर रसूल अल्लाह रसूल्लासम को कभी पूरे महीने का नफली रोज़ा रखते नहीं देखा और जितने रोजे आप वसल्लम शाबान में रखते मैंने किसी महीने में उससे ज्यादा रोज़े रखते आपको नहीं देखा सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ उनहत्तर ने बयान किया उनसे याहया ने उनसे अबू सलमा ने और उनसे हजरत आयशर अनहा ने कहा कि अलैहि वसल्लम शाबान से ज्यादा और किसी महीने में रोज़े नहीं रखते थे शाबान के पूरे दिनों में आप वसल्लम रोजे से रहते आप वसल्लम फरमाया करते थे जिसकी तुम में ताकत हो क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता तुम खुद ही उकता जाओगे नबी करीम वसल्लम उस नमाज को सबसे ज्यादा पसंद फरमाते जिसमें हमेशगी इख्तियार की जाए खाह कम ही क्यों ना हो चुनाचा आ हज़रत अलैहि वसल्लम जब कोई नमाज शुरू करते तो उसे हमेशा पढ़ते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ सत्तर इब्न अब्बास रद्ह उन्होंने बयान किया कि रमज़ान के सिवा नबी करीम अलैहि वसल्लम ने कभी पूरे महीने का रोज़ा नहीं रखा आप नफिल रोज़ा रखने लगते तो देखने वाला कह उठता कि बखुदा अब आप बेरोज़ा नहीं रहेंगे और इसी तरह जब नफिल रोज़ा छोड़ देते तो कहने वाला कहता कि वल्लाह अब आप रोज़ा नहीं रखेंगे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ इकहत्तर मोहम्मद बिन जाफर ने बयान किया उनसे हमीद तवील ने और उन्होंने अनस रजों उन्हों से सुना आपने बयान किया कि रसूल वसल्लम किसी महीने में बेरोज़े के रहते तो हमें ख्याल होता कि इस महीने में आप रोज़ा रखेंगे ही नहीं इसी तरह किसी महीने में नफिल रोज़े रखने लगते तो हम ख्याल करते कि अब इस महीने का एक दिन भी बेरोज़े के नहीं गुजरेगा जो जब भी चाहता आ हज़रत अलैहि वसल्लम को रात में नमाज पढ़ते देख सकता था और जब भी चाहता सोता हुआ भी देख सकता था सलमान ने हमें तवील से यूँ बयान किया कि उन्होंने अनस से रोजे के मुतालिक पूछा था सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ बहत्तर हमीद ने ख़बर दी कहा कि मैंने अनसरद्लाहों से नबी करीम वसल्लम के रोज़ों के मुतालिक पूछा आपने फ़रमाया कि जब भी मेरा दिल चाहता कि आप सल्ला वसल्लम को रोज़े से देखूं तो मैं आपको रोज़े से ही देखता और बग़ैर रोज़े के चाहता तो बग़ैर रोज़े से ही देखता रात में खड़े नमाज पढ़ते देखना चाहता तो इसी तरह नमाज पढ़ते देखता और सोते हुए देखना चाहता तो उसी तरह देखता मैंने नबी करीम ﷺ के मुबारक हाथों से ज़्यादा नरम और नाजुक रेशम के कपड़ों को भी नहीं देखा और न मुश अबीर को आपकी खुशबू से ज़्यादा खुशबूदार पाया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ बिन उम्र बिन आसरदी अल्लाह उन्होंने बयान किया आपने फ़रमाया कि रसूल अल्लाह मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए फिर उन्होंने पूरी हदीस बयान की यानी तुम्हारे मुलाकातियों का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है इस पर मैंने पूछा और दाऊद का रोज़ा कैसा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन बेरोज़ा रहना सो में दाऊदी है सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार नौ सौ चौहत्तर बिन उमरो बिन आसरदी अल्लाह उन्होंने बयान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्लाह क्या यह ख़बर सही है कि तुम दिन में तो रोज़ा रखते हो और सारी रात नमाज पढ़ते हो मैंने अर्ज़ की सही है या रसूल अल्लाह वसल्लम आपने फ़रमाया कि ऐसा ना कर रोज़ा भी रख और बेरोज़े की भी रह नमाज भी पढ़ और सो भी क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक़ है तुम्हारी बीवी का भी हक़ है और तुमसे मुलाकात करने वालों का भी तुम पर हक है बस यही काफ़ी है कि हर महीने में तीन दिन रोजा रख लिया करो क्योंकि हर नेकी का बदला दस गुना मिलेगा और इस तरह यह सारी उम्र का रोज़ा हो जाएगा लेकिन मैंने अपने पर सख्ती चाही तो मुझ पर सख्ती कर दी गई मैंने अर्ज की या रसूल वसल्लम मैं अपने में क़वत पाता हूँ इस पर आपने फरमाया कि फिर अल्लाह के नबी दाऊद का रोज़ा रख और उससे आगे ना बढ़ मैंने पूछा अल्लाह के नबी दाऊद का रोज़ा क्या था आप वसल्लम ने फरमाया एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन बेरोज़ा रहा करते थे अब्दुल्ला रजी अल्लाह बाद में जब ज़यीफ़ हो गए तो कहा करते थे काश में रसूल सल असलम की दी हुई रुख्सत मान लेता सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ पचहत्तर शोएब ने ख़बर दी उन्हें जहरी ने कहा कि मुझे सईद बिन मुसेब और अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन उमर रदी उन्होंने कहा कि रसोल्ला अलैहि वसल्लम तक मेरी ये बात पहुँचाई गई कि खुदा की कसम जिंदगी भर में दिन में तो रोज़े रखूँगा और सारी रात इबादत करूँगा मैंने रसूल्ला सल् वसम से अर्ज की मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों हाँ मैंने ये कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन तेरे अंदर इसकी ताकत नहीं इसलिए रोज़ा भी रख और बेरोज़ा भी रह इबादत भी कर लेकिन सो भी और महीने में तीन दिन के रोजे रखा कर नेकियों का बदला दस गुना मिलता है इस तरह ये सारी उम्र का रोजा हो जाएगा मैंने कहा कि मैं इससे भी ज्यादा की ताकत रखता हूँ आप फरमाया कि फिर एक दिन रोजा रखा कर और दो दिन के लिए रोज़े छोड़ दिया कर मैंने फिर कहा कि मैं इससे भी ज्यादा की ताकत रखता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा एक दिन रोज़ा रख और एक दिन बेरोज़ा रह कि दाऊद अलैहि सलाम का रोज़ा ऐसा ही था और रोज़े का ये सबसे अफजल तरीक़ा है मैंने अब भी वही कहा कि मुझे इससे भी ज्यादा की ताकत है लेकिन इस मर्तबा आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे अफजल कोई रोज़ा नहीं है सही बुखारी हदीस नंबर 1976 अबू आसिम ने ख़बर दी उन्हें इब्न जरीज ने उन्होंने आता से सुना उन्हें अबू अब्बास शायर ने ख़बर दी उन्होंने बिन उमर अब्दुल्लह अल्लाह रद्ला से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि मैं मुसलसल रोज़े रखता हूँ और सारी रात इबादत करता हूँ अब या आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मेरे पास भेजा या ख़ुद मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की आपने दरियाफ़्त फ़रमाया क्या यह खबर सही है कि तू मुतवातिर रोजे रखता है और एक भी नहीं छोड़ता और रात भर नमाज पढ़ता रहता है रोजा भी रख और बेरोजा के भी रह इबादत भी कर और सो भी क्योंकि तेरी आंख का भी तुझ पर हक है तेरी जान का भी तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है अब्दुल्ला रजी अल्लाह उन्होंने कहा कि मुझमें इससे ज्यादा की ताकत है आप वसल्लम ने फरमाया कि फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह रोज़ा रखा कर उन्होंने कहा और वो किस तरह फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन का रोज़ा छोड़ दिया करते थे जब दुश्मन से मुकाबला होता तो पीठ नहीं फेरते थे इस पर अब्दुल्ला रदी अल्लाह ने अर्ज की अल्लाह के नबी मेरे लिए ये कैसे मुमकिन है कि मैं पीठ फेर जाऊँ अता ने कहा कि मुझे याद नहीं इस हदीस में सोम दहर का किस तरह जिक्र हुआ अलबत्ता इन्हें इतना याद था क्या वसल्लम ने फरमाया जो सौ में दहर रखता है उसका रोज़ा ही नहीं दो मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ सतहत्तर ने बयान किया कि मैंने मुजाहिद से सुना और उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमरों से कि नबी करीम वसल्लम ने फरमाया महीने में सिर्फ़ तीन दिन के रोज़े रखा कर उन्होंने कहा कि मुझ में इससे भी ज़्यादा की ताकत है इसी तरह वो बराबर कहते रहे कि मुझ में इससे भी ज़्यादा की ताकत है जहाँ तक कि आ हज़रत हज़रतल्लाम ने फ़रमाया एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन का रोज़ा छोड़ दिया कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यह भी फरमाया कि महीने में एक क़ुरान मजीद ख़त्म किया कर उन्होंने इस पर भी कहा कि मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ और बराबर यही कहते रहे यहां तक कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन दिन में एक कुरान खत्म किया कर सही बुखारी हदीस नंबर 1978 हबीब बिन अबी साबित ने बयान किया कहा कि मैंने अबू अब्बास मक्की से सुना वो शायर थे लेकिन रिवायत हदीस में उन पर किसी किस्म का एहमाम नहीं था उन्होंने बयान किया मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आसरदी से सुना उन्होंने कहा कि मुझसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्या तू मुतवातिर रोज़े रखता है और रात भर इबादत करता है मैंने हां में जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर तू यूं ही करता रहा तो आंखें धंस जाएंगी और तू बेहद कमज़ोर हो जाएगा यह कोई रोज़ा नहीं कि कोई ज़िंदगी भर बिना नागा हर रोज़ रोज़ा रखे तीन दिन का हर महीने में रोज़ा पूरी ज़िंदगी के रोज़े के बराबर है मैंने इस पर कहा कि मुझे इससे भी ज़्यादा की ताकत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर दाऊद अलैहि सलाम का रोज़ा रखा कर आप एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन रोज़ा छोड़ देते थे और जब दुश्मन का सामना होता तो पीठ नहीं दिखलाया कर सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ एक हज़ार नौ सौ उनासी अबू मलीह ने ख़बर दी कहा कि मैं आपके वालिद के साथ अब्दुल्लाह अब्दुल्लह बिरो रज़ी की खिदमत में हाजिर हुआ उन्होंने हमसे बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे रोज़े के मुतक ख़बर हो गई कि मैं मुसलसल रोज़े रखता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मैंने एक गद्दा आपके लिए बिछा दिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी लेकिन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए और तकिया मेरे और आपके दरमियान हो गया आप ने फरमाया क्या तुम्हारे लिए हर महीने में तीन दिन के रोज़े काफ़ी नहीं हैं उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज़ की या अलैहि वसल्लम कुछ और बढ़ा दीजिए आपने फरमाया अच्छा पाँच दिन के रोज़े रख ले मैंने अर्ज़ की या रसूल कुछ और आप वसल्लम ने फरमाया चलो छः दिन मैंने अर्ज़ की या अल्लाह कुछ और बढ़ाइए मुझ में इससे भी ज़्यादा की ताकत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अच्छा नौ दिन मैंने अर्ज़ की या अल्लाह कुछ और फ़रमाया अच्छा ग्यारह दिन आखिर आप वसल्लम ने फ़रमाया कि सलाम के रोज़े के तरीक़े के सिवा और कोई तरीका शरीयत में जायज़ नहीं यानी ज़िंदगी के आधे दिनों में एक दिन का रोज़ा रख और एक दिन का रोजा छोड़ दिया कर सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ अस्सी अबू उस्मान ने बयान किया और उनसे अबू हुरेरा ने कि मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हर महीने की तीन तारीखों में रोजा रखने की वसीयत फरमाई थी इसी तरह चाश्त की दो रकतों की भी वसीयत फरमाई थी और इसकी भी कि सोने से पहले ही मैं वितर पढ़ लिया करूँ सही बुखारी हदीस नंबर 1981 खालिद ने जो हारिस के बेटे हैं बयान किया उनसे हमीद ने और उनसे अनस रदी अल्लाहु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलीम रदी अल्लाहु नामी एक औरत के यहां तशरीफ ले गए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर और घी पेश किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह घी इसके बर्तन में रख दो और खजूरें भी इसके बर्तन में रख दो क्योंकि मैं तो रोज़े से हूँ फिर आप वसल्लम ने घर के एक किनारे में खड़े होकर नफिल नमाज़ पढ़ी और उम सलीम रज़ी और उनके घर वालों के लिए दुआ की उम सलीम ऱी ने अर्ज़ की कि मेरा एक बच्चा लाडला भी तो है उसके लिए भी तो दुआ फरमा दीजिए फ़रमाया कौन है उन्होंने कहा आपका ख़ादम अनस फिर आप सल्ला वसम ने दुनिया और आखिरत की कोई खैर और भलाई नहीं छोड़ी जिसकी उनके लिए दुआ न की आप अलैहि वसल्लम ने दुआ में यह भी फरमाया माल और औलाद अता फरमा और उसके लिए बरकत अता कर रजी अल्लाह का बयान था कि चुनाचा मैं अनसार में सबसे ज्यादा मालदार हूँ और मुझसे मेरी बेटी अमीना ने बयान किया कि हजाज के बसरा आने तक मेरी सलबी औलाद में से तकरीबन 120 दफन हो चुके थे हमसे इबन अबी मरियम ने बयान किया उन्हें याहिया ने ख़बर दी कहा कि मुझसे हमीद ने बयान किया और उन्होंने अनसरदी उन्हों से सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले के साथ सही बुखारी हदीस नंबर एक अबू नौमान ने बयान किया उन्होंने कहा कि हमसे मेहदी बिन मैम ने उनसे गैलान बिन जरीर ने उनसे मतरफ़ ने उनसे इमरान बिन हुसैन रज़ी अलाों ने बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सा वसल्लम से सवाल किया या मतरफ़ ने यह कहा कि सवाल तो किसी और ने किया था लेकिन वो सुन रहे थे आ हज़रत सल्ला वसलम ने फ़रमाया अयलाँ क्या तुमने इस महीने के आखिर के रोज़े रखे अबू नौमान ने कहा मेरा ख़याल है कि रावी ने कहा कि आप सल्ह वसम की मुराद रमज़ान से थी अबू इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि साबित ने बयान किया उनसे मतरफ ने उनसे इमरान रजी अल्लाह उन्होंने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिर के बजाय शौबान के आखिर में का लफ्ज़ बयान किया सही बुखारी हदीस नंबर 1983 अबू आसिम ने बयान किया उनसे इब्ने जरीज ने और उनसे अब्दुल हमीद बिन जबीर ने और उनसे मोहम्मद बिन इबाद ने कि मैंने जाबिर रजी अल्लाह से पूछा क्या नबी वसल्लम ने जुमे के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया है उन्होंने जवाब दिया कि हाँ अबू आसिम के अलावा रावियों ने यह इजाफा किया है कि खाली एक जुमह ही के दिन रोज़ा रखने से आप सल्हुस ने मनाफरमाया सही बुखारी हदीसमर एक अबू साल ने बयान किया और उनसे अबू हुरेरा रजी अल्लाह ने बयान किया मैंने नबी करीम सल्लाम से सुना आप सल्ला ने फरमाया कि कोई भी शख्स जुमे के दिन उस वक्त तक रोज़ा रखे जब तक उससे एक दिन पहले या उसके एक दिन बाद रोज़ा रखता हो सहीबुखारी अदीस नमर एक हजार नौ सौ पचासी शोबा ने बयान किया उनसे कतादा ने उनसे अबू अयूब ने और उनसे जवेरिया बिन तिहारिस ने कि नबी करीम सल्ह वसम उनके यहाँ जुमे के दिन तशरीफ़ ले गए इतफ़ाक़ से वो रोज़े से थीं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर दरियाफ़्त फ़रमाया क्या कल के दिन भी तूने रोज़ा रखा था उन्होंने जवाब दिया कि नहीं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फ़रमाया क्या आइंदा कल रोज़ा रखने का इरादा है जवाब दिया कि नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर रोज़ा तोड़ दो हम्माद बिन जौद ने बयान किया कि उन्होंने कतादा से सुना उनसे अबू अय्यूब ने बयान किया और उनसे जवेरिया ने बयान किया कि हजरत वसल्लम ने हुक्म दिया और उन्होंने रोजा तोड़ दिया सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार नौ सौ छियासी ने बयान किया उनसे सुफियान ने उनसे मंसूर ने उनसे इब्राहिम ने उनसे अलकामा ने उन्होंने आयशादी से पूछा क्या रसूल स रोजा वगैरह इबादात के लिए कुछ दिन खास तौर पर मुकर कर रखे थे उन्होंने कहा कि नहीं बल्कि आप सल्ला के हर अमल में हमेशगी होती थी और दूसरा कौन है जो रसूल सल्ला जितनी ताकत रखता हो सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ सत्तासी ने बयान किया दूसरी सनद इमाम बुखारी रहा ने कहा और हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया उन्हें इमाम मालिक ने खबर दी उन्हें उमर बिन अब्दुल्लाह के गुलाम अबू नज़र ने उन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्ल बब्बास रज़ी के गुलाम उमैर ने और उन्हें उम फ़ल बिन तिहारिस ने कि उनके यहाँ कुछ लोग के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बारे में झगड़ रहे थे बाज़ ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से हैं और बाज ने कहा कि रोज़े से नहीं हैं इस पर उम फ़ल रजी अल्ला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध का प्याला भेजा ताकि हकीकत जाहिर हो जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर सवार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पी लिया सही बुखारी हदीस नंबर 1988 वहब ने बयान किया या उनके सामने हदीस की करत की गई कहा कि मुझको उमरों ने खबर दी उन्हें बकीर ने उन्हें करीब ने और उन्हें मैमूना रजी अल्लाह अनहा ने कि के दिन कुछ लोगों को आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के मुतल शक हुआ इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध भेजा आप उस वक्त अरफात में वक़ूफ़ फरमा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पी लिया और सब लोग देख रहे थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ नवासी इबन अज़हर के ग़ुलाम अबू उबैद ने बयान किया कि ईद के दिन मैं उमर बिन ख़त्ताब खत्तावरती की खिदमत में हाजिर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दो दिन ऐसे हैं जिनके रोज़ों की आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ममानयात फरमाई है रमज़ान के रोज़ों के बाद अवतार का दिन ईद उल फितर और दूसरा वो दिन जिसमें तुम अपनी कुर्बानी का गोश्त खाते हो यानी ईद उल अज़हा का दिन सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ नब्बे अबू सईद खदरी रदी अल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितर और कुर्बानी के दिनों के रोजों की मुमानियत की थी और एक कपड़ा सारे बदन पर लपेट लेने से और एक कपड़े में गोट मारकर बैठने से सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ इक्यानवे और सुबह और असर के बाद नमाज पढ़ने से सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार नौ सौ बानवे बिन दीनार ने खबर दी उन्होंने अताबिन मैनाज से सुना वो अबू अल्लाह अल्ला से यह यहदीस नकल करते थे कि आपने फ़रमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रोज़े और दो कस्म की ख़रीदोफ़रख्त से मना फरमाया है फितर और अज़हा के रोज़े से और मुलामसा मौलसा वमनाबा के साथ खरीदोफ़र करने से सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ तिरानवे ज़ियाद बिन जबीर ने बयान किया कि एक शख्स इबन उमर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि एक शख्स ने एक दिन के रोज़े की नज़र मानी फिर कहा कि मेरा ख़्याल है कि वो पीर का दिन है और इत्तेफाक से वही ईद का दिन पड़ गया इबन उमर ने कहा कि अल्लाह ताला ने तो नज़र पूरी करने का हुक्म दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन रोज़ा रखने से अल्लाह के हुक्म से मना फरमाया है गोया इबन उमर ने कोई कतई फ़ैसला नहीं दिया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ चौरानवे अब्दुलमलिक बिन उमैर ने बयान किया कहा कि मैंने क़जा से सुना उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अबू सईद खदरी रजी से सुना आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बारह जहादों में शरीक रहे थे उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चार बातें सुनी हैं जो मुझे बहुत ही पसंद आईं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई औरत दो दिन या उससे ज़्यादा के अंदाजे का सफ़र उस वक्त तक न करे जब तक उसके साथ उसका शोहर या कोई महरम ना हो और फित्र और ईद अजहा के दिनों में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है और सुब की नमाज के बाद सूरज निकलने तक और असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक कोई नमाज जायज़ नहीं और चौथी बात यह कि तीन मसाजिद के सिवा और किसी जगह के लिए शद्र हाल सफ़र न किया जाए मस्जिद हराम मस्जिद अकसा और मेरी ये मस्जिद सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ पचानवे बिन सईद ने बयान किया उनसे हिशाम ने बयान किया कि मुझे मेरे बाप उर्वा ने ख़बर दी कि आयशरत अमाम मिना अमाम तशरीक़ के रोज़े रखती थीं और हिशाम के बाप उर्वा भी इन दिनों में रोज़ा रखते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ छियानवे चौबा ने बयान किया उन्होंने अब्दुल्ला बिन ईसा से सुना उन्होंने ज़ाहरी से उन्होंने औरवा से उन्होंने आयशा रजी से नए ज़ाहरी ने इस हदीस को सालिम से भी सुना और उन्होंने इबन उमर रदी से सुना आयशा और इबन उमर रजी अल्लाह दोनों ने बयान किया कि किसी को अयाम तशरीक़ में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं मगर उसके लिए जिसे क़ुरबानी का मकदूर न हो सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ सत्तानवे एक हज़ार नौ सौ अट्ठानवे इबन उमर रदी ने बयान किया कि जो हाजी हज और उम्र के दरमियान तमदपा करे उसको योम अरफा तक रोज़ा रखने की इजाज़त है लेकिन अगर क़ुरबानी का मकदूर न हो और न उसने रोज़ा रखा तो अयाम मना अयाम तशरीक में भी रोज़ा रखे और इबन शहाब ने औरवा से और उन्होंने आयश रदी से इसी तरह रिवायत की है इमाम मालिक राम के साथ इस हदीस को इब्राहिम बिन साद ने भी इबन शहाब से रिवायत किया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ नन्यानवे अबू आसिम ने बयान किया उनसे उमर बिन मोहम्मद ने उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर अदीलों ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आशूरा के दिन अगर कोई चाहे तो रोज़ा रख ले सही बुखारी हदीस नंबर दो हज़ार और व बिन जुबैर ने ख़बर दी उनसे आयशा रदी अल्लाह ने बयान किया कि शुरू इस्लाम में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूदा के दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया था फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए तो जिसका दिल चाहता उस दिन रोज़ा रखता और जो ना चाहता नहीं रखा करता था सही बुखारी हदीस सितम्बर दो इमाम मालिक रम्ह ने बयान किया उनसे हिशाम बिन और उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा आयशर रली ने बयान किया कि आशूरा के दिन ज़माना जाहलीत में क्रैश रोज़ा रखा करते थे और रसूल सल्लासम भी रखते फिर जब आप वसलम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने यहाँ भी आशूरा के दिन रोज़ा रखा और उसका लोगों को भी हुक्म दिया लेकिन रमज़ान की फ़र्जियत के बाद आप आपली वसम ने इसको छोड़ दिया और फरमाया कि अब जिसका जी चाहे इस दिन रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे न रखे सही बुखारी हदीस समर दो हज़ार दो हमीद बिन अब्दुलरहमान ने बयान किया कि उन्होंने माविया बिन अबी सफ़ियान रज़ी से आशूर के दिन मेंबर पर सुना उन्होंने कहा अय अहले मदीना तुम्हारे तुम्हारेमा किधर गए मैंने रसूल्ला वसम को ये फरमाते सुना कि यह आशूरा का दिन है इसका रोजा तुम पर फर्ज नहीं है लेकिन मैं रोजे से हूँ और अब जिसका जी चाहे रोजे से रहे और मेरी सुन्नत पर अमल करे और जिसका जी चाहे न रहे सही बुखारी हदीस नंबर दो हज़ार तीन सईद बिन जबीर ने बयान किया उनसे उनके बाप ने और उनसे अपने अब्बास रदी अल्लाह ने फरमाया कि नबी करीम वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को देखा कि वो आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इसका सबब मालूम फ़रमाया तो उन्होंने बताया कि ये एक अच्छा दिन है इसी दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन फ़िरौन से निजात दिलाई थी इसलिए मूसा सलम ने इस दिन का रोज़ा रखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया फिर मूसा सलाम के शरीक मसरत होने में हम तुमसे ज़्यादा मुस्तक़ हैं चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन रोज़ा रखा और साहबा को भी इसका हुक्म दिया सही बुखारी हदीसर दो हज़ार चार अबू उसामा ने बयान किया उनसे अबू ओमैस ने उनसे कैस बिन मुस्लिम ने उनसे तारक़ ने उनसे से शहाब ने और उनसे अबू मसरदों ने बयान किया कि आशूरा के दिन को यहूदी ईद का दिन समझते थे इसलिए रसूल सल्लाम ने फ़रमाया कि तुम भी इस दिन रोज़ा रखा करो सही बुखारी हदीस समर दो हज़ार पाँच इबन अब्बास रदी ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिवाय आशूरा के दिन के और इस रमज़ान के महीने के और किसी दिन को दूसरे दिनों से अफजल जानकर ख़ास तौर से कसद करके रोज़ा रखते नहीं देखा सही बुखारी हदीत समर दो हज़ार छः यजीद बिन उबैद ने बयान किया उनसे सलमा बिन अकूर अदीलों ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु असलम के एक शख्स को लोगों में इस बात के ऐलान का हुक्म दिया था कि जो खा चुका हो वो दिन के बाकी हिस्से में भी खाने पीने से रुका रहे और जिसने न खाया हो उसे रोज़ा रख लेना चाहिए क्योंकि ये आशूरा का दिन है सही बुखारी हदीस नंबर दो हज़ार सात